और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए करेंगे और देश के लिए मरेंगे, ये भावना हम में होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि लोग 500 रुपए में बिक जाते हैं, लोग 50,000 में बिक जाते हैं, लोग 5,000 में बिक जाते हैं, लोग अपने को गालियां देने लग जाते हैं, अपने अपना जो भाईचारा है उसको तोड़ने लग जाते हैं। ऐसा भाईचारा बनाओ कि हमारे भाईचारे को देख करके संसार एक बार फिर हमें विश्व गुरु कहे। ये शिक्षा मैं देने आया हूं और भील समाज के युवाओं से, भील समाज के लोगों से ये कहने आया हूं कि आप कम नहीं है, आप वो समाज है, आप वो जात है जिसने दुनिया को रास्ता दिया, जिसने दुनिया को शास्त्र दिए, जिसने दुनिया को अपना बना करके गले लगा करके भारत माता की शान बढ़ाई, आप वो भील हो। किसी के चक्कर में मत आओ, किसी के चक्कर में मत आओ। ये मेरी पहली बात थी। दूसरी बात पे मैं आता हूं। आज से 10-15 साल से इस जिले में जब जब भी मौका मिलता है आता हूं। मुख्य फोकस हमारा पूरे राजस्थान में छात्रावास बनाना और हमारे बच्चों को पढ़ाना है। और हमने पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालयों पे छात्रावास बनाए हैं और हमारे बच्चों को उसमें रख करके पढ़ने के लिए उनको प्रेरित किया है। जब यहां आए तो सम्माननीय सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब मंत्री हुआ करते थे, उनके पास कार्यकर्ता ले गए, हमने हाथ जोड़ा, महोदय छात्रावास की थोड़ी सी जमीन दिला दो, हम छात्रावास बढ़ा लेंगे। अच्छा, भील समाज के लिए चलो, कलेक्टर साहब को फोन किया, कलेक्टर साहब ये लोग आ रहे हैं, इनको जमीन का कुछ कर देना, दे देना। और 2-3 महीने में जमीन दिलवा दी। आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं था, 1,11,000 रुपए दिए, लो ये। और दूसरों से सबसे दिलाए, वो छात्रावास बनाया। आज भी माननीय सांसद महोदय और यहाँ के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमारे कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया, साहब हमारी बच्चियों के लिए भी कुछ कर दो। बच्चियों का छात्रावास की जमीन अलॉट करवाई और शायद 2.25 करोड़ रुपए, 2,60,00,000 रुपए उसके सेंशन हुए, छात्रावास के भी लिए सेंशन हुए। यहाँ आदरणीय सांसद महोदय, विधायक साहब और यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधि सारे मिलकर के गांव-गांव में वो सामुदायिक भवन, धर्मशालाएं, ना जाने क्या जो वो चिकित्सा के कैंप, वो ना जाने क्या क्या हमारे लिए कर रहे हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो जगह जगह सड़कें खुदी हुई थी, मैंने कहा ये क्या है, तो साहब हमारे यहाँ सारे जिले की सड़कों का काम चल रहा है, सीमेंट कंक्रीट की बनेगी। मैंने कहा वाह बहुत अच्छा। तो हम सब लोग मिल करके हमारा विकास करवाएं और विकास करवाने के लिए आदर से मांगने वाला झुक करके मांगता है, मांगने वाला आदर से मांगता है, आदर से झुक करके आप प्रणाम करके महोदय थोड़ा सा हमारा ये भी कर देना, जो वाजिब थोड़ा सा बिल्कुल होगा करेंगे। क्योंकि सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का गरीब लोगों के प्रति फोकस ज्यादा है और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं बराबर उनके सामने बात रखते हैं और वो जो है तरह तरह की योजनाएं सामने लाते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, आपके यहाँ के प्रधान जी या जो भी जनप्रतिनिधि है उन सबके साथ आकर के और हाथ जोड़ करके अपनी छोटी छोटी वाजिब बातें, व्यक्तिगत बातों की मैं नहीं कहता कि मेरे आवास नहीं आया, मुझे बीपीएल में नहीं लिया, वो नहीं, जो सबके भले के हो ऐसी चीजें आप करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं दोनों महान विभूतियों से। महोदय मुझे न्यू भी कार्यकर्ता भी बताते रहते हैं, आज भी थोड़ा सा कुछ दूसरे कार्यकर्ताओं ने बताया कि सर आप एक निवेदन कर देना कि जो टीएसपी क्षेत्र घोषित हुआ है उसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे छूट गए हैं जहां एसटी की आबादी बहुत ज्यादा है, वो किसी कारणवश छूटी हो तो उसको जुड़वाने के लिए निवेदन करूंगा। मैं सम्माननीय पूर्व मंत्री महोदय आपकी तो सब बात मानते हैं, आप प्रपोजल बना करके राजस्थान सरकार से उसको
करवाएंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे। और परम सम्माननीय सांसद महोदय, आप वो शक्ति रखते हैं कि राजस्थान सरकार का जो आपका जो प्रपोजल है आप केंद्र में भेंट करके निकलवा सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो जो क्षेत्र छूट गया है उस क्षेत्र को थोड़ा सा, जो जहां आबादी ज्यादा है उसका थोड़ा सा अच्छे ढंग से एक बार सर्वे हो करके वो लोग भी जुड़ जाए, उनका भी भला होगा। साथ ही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा दो चीजें और, उसके बाद ज्यादा नहीं बोलूंगा। बातें बहुत होती है, हम सरकार से बहुत कुछ मांगते हैं, अपने को और दूसरे वालों को भी लाख उलाना देते हैं साहब। माँ बिला की तो गरीबी आना के कारण है, माँ बिला की गरीबी तो है नहीं ऊनी फलानी जात के कारण है, माँ बिला की गरीबी तो अन्य वजहों में। लेकिन मैं सच कहता हूं भैया, मैं सच कहता हूं भैया, हम ईमानदारी से पढ़ तो लें। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, मेरे अभी एक बीच में एक बार आया था, मैंने कहा कितने पढ़े लिखे युवा हैं, तो खड़े नहीं हुए, सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं उसके बाद ग्यारहवीं बारहवीं और कॉलेज तक तो कोई है ही नहीं, तो क्या होगा तुम्हारा। मैं यूं कहना चाहता हूं, मैं बीर समाज के युवाओं से और सारे युवाओं से जो दूसरी जात के हैं उनसे भी कि भैया गरीबी पढ़ने में आड़े नहीं आती है, हाँ गरीबी पढ़ने में आड़े नहीं आती है। आप एकलव्य का वंशज हो, खूब मेहनत करके मन लगा के पढ़ो, डिवीजन लाओ, और ये नुक्ते मांडे कथा भागवत में मोबाइल लेके चश्मा लगा करके वहां हीरो बन के मत घूमो, अपना सारा ध्यान शिक्षा की तरफ करो और फर्स्ट डिवीजन अच्छा डिवीजन लाओ तो आप आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा सा शराब, थोड़े से नुक्ते बड़े बड़े करना, शादी में अनाप शनाप पैसा खत्म खर्च करना ये बंद कर दो, आधा विकास तो हमारा अपने आप हो जाएगा, आधा विकास तो हमारा अपने आप हो जाएगा, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम वो करना नहीं चाहते। मैं बहुत ज्यादा बोला हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन कई दिनों से दर्द था मेरे पास, चार जिलों के चार राज्यों के व्हाट्सएप थे और कौन क्या कर रहा है वो मेरे पास जो है ध्यान में था, इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ा। मुझे यहां बुलाया और आप सभी ने सम्मान दिया, परम सम्माननीय सांसद महोदय और विधायक साहब ने जो इज्जत दी, सभी कार्यकर्ताओं ने जो इज्जत दी, उसके लिए मैं आप सबका ऋणी रहूंगा। जय हिंद जय भारत। जोरदार आपका स्वागत, आपने बहुत ही ओजस्वी और हमारे कार्यकर्ताओं को दिशा देने का प्रयास किया। अब मैं सीधे सीधे हमारे लोक लाडले सांसद महोदय श्रीमान हरिओम सिंह जी राठौर साहब से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम के अपने उद्बोधन प्रदान करावे और जो